अगर आप मोबाइल से YouTube वीडियो देखते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दो जगह क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन जो दिया हुआ है, रेड कलर में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यह ब्लैक कलर में हो जाएगा और इसके बगल में एक घंटी की बटन आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको घंटी की बटन पर क्लिक करना है। घंटी की बटन पर क्लिक करने के बाद घंटी के ऊपर भी दो निशान दिखाई देने लगेंगे। तब आपको समझ लीजिए कि चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप घंटी की बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन तीन क्वेश्चन में से आपको हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस बी टेन एक्स अपॉन ए माइनस बी टेन एक्स। अभी अवकलन करने से पहले हम इसमें लॉग का फार्मूला यूज करेंगे। लॉग का फार्मूला y इक्वल टू लॉग m अपॉन n, लॉग m बट n का सूत्र होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n का सूत्र होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग a माइनस बी टेन एक्स। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा लाग इतने का अवकलन होगा एक बटा उतना ही लिख देंगे ए प्लस बी टेन एक्स इंटू ए प्लस बी टेन एक्स का अवकलन एक बार फिर से होगा तो ए का अवकलन हो जाएगा शून्य प्लस बी टेन एक्स का अवकलन होगा बी सेक स्क्वायर एक्स माइनस लाग इतने का अवकलन होगा एक बटा इतना, यानी ये ब्रैकेट ही पूरा बटे के नीचे लिख देंगे a माइनस बी टेन एक्स इंटू ए माइनस बी टेन एक्स का अवकलन एक बार फिर से होगा, a का अवकलन होगा जीरो माइनस बी टेन एक्स को लिख देंगे b sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देख सकते हैं जीरो प्लस बी स्क्वायर है और जीरो माइनस बी स्क्वायर है, यानी बी sec स्क्वायर और माइनस बी सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन होकर के बाहर लिख देंगे हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया हम लोगों ने तो बचा एक बटा ए प्लस बी टेन एक्स माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा प्लस एक बटा ए माइनस बी टेन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी सेक स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है तो होगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ए माइनस बी टेन एक्स का यहाँ गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो होगा a माइनस बी टेन एक्स प्लस ए प्लस बी टेन एक्स गुणा एक में करके यहाँ लिखेंगे तो होगा a प्लस बी टेन एक्स। अब यहाँ माइनस बी टेन एक्स प्लस बी टेन एक्स कट जाएगा, a और a बचेगा, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा टू ए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a और a हमारा हो गया कितना टू ए और ये बचा बाहर बी सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये हुआ इसका आंसर। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लॉग कर्ली में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था इसका पार्ट नंबर टू, उसको मान लेंगे वाई इक्वल टू लॉग कर्ली में वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी लॉग का फार्मूला पहले हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर पे होल पावर वन अपॉन टू होगा। लॉग के सूत्र लॉग एम पे घात एन, लॉग एम पर घात एन मानते हुए हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक बटा दो आ जाएगा आगे और लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा बचेगा। अब इसको हम आगे ला के लिखते हैं y इक्वल टू एक बटा दो लॉग एम बटे एन का फार्मूला फिर लगा देंगे तो हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगली लाइन में हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक बटा दो रहेगा ही रहेगा, लॉग इतना का हो जाएगा एक बटा इतना इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होगा जीरो प्लस टू एक्स माइनस लॉग इतना का होगा एक बटा इतना और वन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा जीरो माइनस टू एक्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और फिर नेक्स्ट लाइन में जीरो का मतलब कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा टू एक्स और टू एक्स कॉमन लेकर एकदम बाहर निकाल देंगे, ये टू एक्स समझ लीजिए कि ये माइनस और ये माइनस हो गया है प्लस, टू एक्स और टू एक्स कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, टू एक्स अपॉन टू होगा यानी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स अपॉन टू ब्रैकेट में वन अपॉन इतना प्लस वन अपॉन इतना बचेगा तो इसका भी जब हम एलसीएम लेंगे इस तरह हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फोर और वन माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ होगा तो यहाँ लिख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा वन और वन जोड़ देंगे टू होगा और ये टू से टू कट गया यानी फाइनली हमको मिल रहा है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये टू और टू कट चुका बचा यहाँ एक्स और वन प्लस वन टू यानी हो गया ऊपर टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स पावर फोर ये हुआ आपका आंसर। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे लॉग एक्स प्लस कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका तीसरा पार्ट है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करना बहुत आसान है, देख लीजिए। इसमें डायरेक्ट दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग इतने का अवकलन होता है एक बटा इतना ही एक बटा एक्स प्लस कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, अब लॉग को छोड़ करके केवल इतने का अवकलन जब आप करेंगे तो एक्स का अवकलन एक होगा प्लस और कर्ली में कुछ भी लिखा हो इसका अवकलन क्या होता है एक बटा दो कर्ली में वही चीज तो इसको लिख देंगे एक बटे दो कर्ली में यही चीज यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, अब केवल कर्ली छोड़ देंगे अंदर के मटेरियल का अंदर के भाग में जो लिखा है उसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हुआ टू एक्स माइनस वन का अवकलन हो जाएगा जीरो तो उसको लिखेंगे नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो से दो कट गया बचा क्या डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक बटे एक्स प्लस कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ क्या होने वाला है दो से दो कट गया है तो एक्स बटे इतना है और इतने का गुणा एक में कर देंगे तो हो जाएगा कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स
बटा कर डी में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ से ये वाली चीज़ कट जाएगी, इस अंश से, और ये हर कट जाएगा क्योंकि x को आगे लिख दें, करड़ी वाले भाग को पीछे लिख दें तो सेम इसी के जैसा बन जाएगा, तो कटेगा ही। तो इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू इनको और इनको कटा हुआ मानते हुए लिख देंगे एक बटे इतना, एक बटा करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है लॉग एक्स पर घात एक्स कामा लॉग साइन एक्स के ऊपर घात कॉस एक्स। फर्स्ट वाला लेके लगाते हैं, मान लेते हैं वाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स। अब लॉग एम पे घात एन का फार्मूला लगा के एक्स को आगे ले लेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ दो फलन के गुणनफल का अवकलन गुणा अवकल गुणांक होगा, दो फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन एक बटा एक्स प्लस द्वितीय फलन, और प्रथम फलन का अवकलन यानी एक होगा क्योंकि एक्स का अवकलन एक होता है। एक्स से यह एक्स कट जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स करने लॉग एक्स। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स। और हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसका एक उत्तर और आ सकता है, अथवा मैं बता दे रहा हूँ अथवा करके, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो एक है ये लाग ई का मान है। किसका मान है? लाग ई का, क्योंकि लाग ई का वैल्यू वन होता है, और प्लस लाग एक्स लिख देंगे। लाग एम प्लस लाग एन, लाग एम प्लस लाग एन इक्वल टू होता है लाग एम एन यानी लाग ई एक्स। समझ लीजिए वन पर लॉग एक्स और लॉग ई एक्स दोनों सेम उत्तर हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो विकल्प में ये ना दे करके ये दे देता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे भी समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसी का दूसरा भाग, y इक्वल टू लाग साइन एक्स पे घात कॉस एक्स। लाग एम पे पावर एन वाला फार्मूला लगाते हुए कॉस एक्स को आगे ले लेंगे तो y इक्वल टू कॉस एक्स लाग साइन एक्स। अब यहाँ भी प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का फार्मूला यूज होगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का फार्मूला याद है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, लाग इतने का होगा एक बटा इतना, इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे लाग साइन एक्स, इंटू प्रथम फलन का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। देखिए कॉस गुणे कॉस, कॉस बटे साइन को काट कर देंगे, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बटा साइन काट हो गया यानी कॉस एक्स इंटू काट एक्स, ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इसका आंसर यही हुआ। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, आज का तीसरा प्रश्न जो है बहुत लाजवाब है। साइन एक्स अंश कामा
दो बटे पाई साइन एक्स अंश कमा सेक एक्स अंश। ये तीन क्वेश्चन सबसे अलग है। अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने बताया अवकलन का, सब में इधर इस तरह नहीं था, एक्स पे डिग्री नहीं बना हुआ था। तो इसमें आपको जरूर कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है। मान लीजिए वाई इक्वल टू साइन एक्स अंश, तो यहाँ एक्स अंश इक्वल टू होता है पाई एक्स अपान 180 रेडियन। एक्स अंश इक्वल टू होता है पाई एक्स अपान 180 रेडियन। तो हम ये वाला एक्स अंश का ये मान हम यहाँ रख दें अगर, तो इस तरह हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन पाई एक्स अपान 180। अब हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन होता है कास थीटा, उसी तरीके लिख देंगे यानी कास पाई एक्स अपान 180। साइन का हो गया अवकलन, साइन को अब छोड़ करके केवल इतने का अवकलन करेंगे पाई एक्स बाई 180 का। तो पाई एक्स बाई 180 का जब आप अवकलन करेंगे तो केवल एक्स खत्म होगा, बचेगा क्या पाई बाई 180, यानी ये गुणांक के रूप में इसको हम इधर ले लेंगे डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 180 कास पाई एक्स अपान 180। ये भी उत्तर हुआ। और एक आंसर इसका और होगा, वो होगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू कास। ये मान किसका है पाई एक्स बाई 180, ये मान है इसका, इसकी जगह हम एक्स अंश फिर से लिख देंगे यहाँ एक्स डिग्री, ये हुआ इसका आंसर। इस तरीके से आप इसका ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला आप लगा लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स डिग्री है वहाँ वहाँ पाई एक्स अपान 180 रख करके सॉल्व करिए। क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें आप व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करिएगा। अगला प्रश्न है ई पे पावर ए एक्स कास बी एक्स कमा ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी साइन बी एक्स प्लस सी। इसी तरह से एक प्रश्न और है, उसको आप लोग बुक से अपने देख लीजिएगा। मान लीजिए फर्स्ट वाला इसका हमें सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स। यहाँ देख लीजिए ये प्रथम फलन हो गया और ये द्वितीय फलन हो गया, तो दो फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक सूत्र हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, वही सूत्र आज भी यूज करेंगे। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा ई पे पावर ए एक्स यानी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन कास बी एक्स का होगा माइनस साइन बी एक्स, और इस बार केवल बी एक्स का अवकलन होगा तो हो जाएगा केवल बी प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे हम कास बी एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन ई पी पावर ए एक्स का वही होगा ई पी पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का एक बार फिर से होगा तो होगा ए, यानी फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं माइनस बी ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई पे पावर ए एक्स कास बी एक्स, ये हुआ इसका उत्तर। अगला प्रश्न है ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। आप इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मान करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम पांचवा प्रश्न बताते हैं। पांचवा प्रश्न है
पांचवें प्रश्न में भी दो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू लॉग वन प्लस साइन एक्स अपन वन माइनस साइन एक्स, इस पे होल पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है वन अपॉन टू, कर्ड़ी का मतलब होता है कितना घात, एक बटा दो घात होता है। अब ये लॉग m, इस पूरे ब्रैकेट को m सपोज करें तो लॉग m पे होल पावर वन अपॉन टू, इन लॉग m पे घात n है, तो लॉग के फार्मूला के अनुसार एक बटा दो आगे आ जाएगा, तो y इक्वल टू एक बटा दो, और लॉग m बट n भी है, ये लॉग m बट n को लिख सकते हैं लॉग m यानी वन प्लस साइन एक्स माइनस लॉग n यानी वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आगे देखें, अवकलन कर देंगे, अब डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू यही रहेगा, लाग इतने का होगा एक बटा इतना ही वन प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स का अवकलन एक बार फिर से होगा तो वन का हो जाएगा जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स माइनस लाग इतने का होगा अवकलन एक बटा वन माइनस साइन एक्स इंटू वन का होगा जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, वो भी किस में, माइनस में, माइनस कास एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली लाइन में कास एक्स कॉमन लेके बाहर कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स बाई टू, कर्ड़ी के अंदर नहीं कोष्टक के अंदर वन प्लस साइन एक्स नीचे है, वन माइनस साइन एक्स नीचे है, इनका एलसीएम लेंगे तो होगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन एक्स का वन में गुणा होगा तो वन माइनस साइन एक्स, और ये माइनस और माइनस से ये चिन्ह प्लस हो चुका था, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, वन प्लस साइन एक्स गुणा एक में होगा तो वन प्लस साइन एक्स। अब आप देख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा, वन और वन जोड़ेंगे टू होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कास स्क्वायर एक्स। अब यहाँ भी कुछ कटेगा, टू से टू कट जाएगा और कास से कास कटेगा, यहाँ पर एक कास और बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 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 गया कास कास गया तो बचा वन अपन कास एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स, यही हमारा आंसर होगा। अब इस प्रश्न को बताने की बारी है, चलिए इसे भी बता देते हैं। सेकेंड वाला है वाई इक्वल टू, मान लेंगे कर्ड़ी में एक्स प्लस वन माइनस वन अपान, देखिए यहाँ लाग लिखा हुआ है, लाग कर्ड़ी में एक्स प्लस वन माइनस वन अपान कर्ड़ी में एक्स प्लस वन प्लस वन, लाग एम बटा एन का फार्मूला यहाँ यूज होगा, अभी अवकलन नहीं लगा रहे हैं, लाग का फार्मूला लगा रहे हैं, लाग एम माइनस लाग एन लिखना है, तो लाग कर्ड़ी के अंदर एक्स प्लस वन माइनस वन लाग एम माइनस लाग एन, अब हम लोग अवकलन करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लाग इतने का हो जाएगा एक बटा इतना ही कर्ड़ी में एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू लाग छोड़ दो, केवल इतने का अवकलन करोगे तो हो जाएगा एक बटा दो कर्ड़ी में एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, अब माइनस वन का अवकलन जीरो हो गया, यानी इसके आगे अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लाग इतने का अवकलन हो जाएगा एक बटे उतना ही इंटू
लाग को छोड़ करके केवल इसका अवकलन करेंगे तो करड़ी में इसका अवकलन होगा भाई 1/2 करड़ी में वही चीज इंटू एक्स का अवकलन 1 होगा और 1 का अवकलन 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें और इसमें, इस पद में और इस पद में देखेंगे तो 1/2 करड़ी में इतना और 1/2 करड़ी में इतना कॉमन हो जाएगा। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/2 करड़ी में x+1 कॉमन हुआ, बचा क्या 1/2 करड़ी में x+1 -1 और माइनस 1/2 करड़ी में x+1 +1 यही बचा है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इतने का गुणा एक में करके यहाँ लिखेंगे और इतने का गुणा इसमें करके यहाँ लिखेंगे। dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में x+1 इसका गुणा हम यहाँ करने वाले हैं, करड़ी में x+1 +1 माइनस इसका गुणा यहाँ होगा तो होगा करड़ी में x+1 और ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा +1 बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह है, इसका एलसीएम तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में इतने का स्क्वायर जब करेंगे तो केवल करड़ी हट जाएगी यानी x+1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ देखिए ये करड़ी वाला पद प्लस में है, ये वाला पद माइनस में है, तो ये दोनों करड़ी वाले पद कट जाएंगे, एक और एक जोड़ करें 2 हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू 2/2 करड़ी में x+1 इंटू एक्स, ये +1 -1 काट गया केवल x बचा, और यहाँ भी ये करड़ी वाला कट गया तो एक और एक 2 बच गया, अब 2 से 2 भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया। dy/dx इक्वल टू 1/2 x करड़ी में x+1 ये हुआ इसका आंसर। ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 से 2 कट गया तो ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, इतना ही होगा आंसर 1/x करड़ी में x+1। अगर आप मोबाइल से YouTube वीडियो देखते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए 2 जगह क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन जो दिया हुआ है, रेड कलर में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यह ब्लैक कलर में हो जाएगा और इसके बगल में एक घंटी की बटन आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको घंटी की बटन पर क्लिक करना है। घंटी की बटन पर क्लिक करने के बाद घंटी के ऊपर भी 2 निशान दिखाई देने लगेंगे, तब आपको समझ लीजिए कि चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप घंटी के बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू लाग सेक ax+b का होल क्यूब। तो उसके पहले क्वेश्चन हम और लगा देते हैं, छठवा है y इक्वल टू लाग सेक ax+b का होल क्यूब। तो dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, चलिए डायरेक्ट हम लोग ज्ञात करते हैं, dy/dx इक्वल टू लाग इतना का हो जाएगा 1/2 वही चीज इंटू, अब लाग छोड़ दीजिए सेक का करिए, जब सेक का करेंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर सेक का करेंगे सेक स्क्वायर ने सेक का करेंगे तो सेक इतना इंटू
टेन इतना होगा, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, सेक थीटा का यानी सेक एक्स का कुल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक छोड़ देंगे, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का जब करेंगे तब वो हो जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी पे घात 2 इंटू, अब ये 3 घात छोड़ के केवल अंदर का करेंगे ए एक्स प्लस बी का तो केवल होगा ए। यानी देखिए आप, इससे ये घात नहीं है, इस सेक से और ये सेक पूरी तरह कट गया, बचा हमारा टेन इतना इंटू 3 इंटू ए, यानी डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 ए और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 10 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये बच गया। देख लीजिए साथियों, ये और ये कट गया, हमने पहले लिखा 3 ए और इतना और बाद में लिखा इसको, यहाँ हो गया यही आंसर। कड़ी में काश और कड़ी में यक्ष, इसको भी हम लघु विधि से ही बताएंगे। तुरंत अवकलन करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, कड़ी में हमने बताया था कुछ भी रहे उसका अवकलन होता है 1/2 कड़ी में वही चीज, तो लिखते हैं 1/2 कड़ी में वही चीज यानी काश कड़ी में यक्ष इंटू। अब ये ऊपर वाली कड़ी छोड़ दो, अब करो तुम काश रूट यक्ष का, काश को हो जाएगा माइनस साइन रूट यक्स। अब काश को भी छोड़ दो, केवल करड़ी का करिए, करड़ी का होगा 1/2 करड़ी में वही चीज तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, एक बार फिर से देख लें, करड़ी का हुआ 1/2 करड़ी में वही चीज हुआ, और फिर करड़ी छोड़ के काश का करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स, अब काश छोड़ देंगे केवल करड़ी में एक्स करेंगे तो 1/2 करड़ी में एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन करड़ी में एक्स बटा 2 × 4 कड़ी में यक्स कड़ी में कास कड़ी में यक्स, ये हुआ इसका आंसर। अगर क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को फिर से आप प्ले कर सकते हैं, फिर से प्ले करके फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है इसका। तो हम जब अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग इतना का हो जाएगा 1/उतना यानी 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, लॉग टेन का हमने कर दिया 1/10, अब लॉग को छोड़ के टेन का करेंगे तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर वही चीज पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, अब टेन छोड़ देंगे केवल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1/2, एक्स बाई 2 का हो जाएगा कितना 1/2। और इसको अब टेन को 1/10 को काट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/10 को काट समझ लें, काट तो, और काट को कास बटे साइन, 1/10 को काट लिखेंगे और काट को कास बटा साइन लिखेंगे यानी कास
पाई बाई फोर एक्स बाई टू बटे साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1/10 को समझेंगे काट, और काट को कास बटा साइन लिखते हैं, इनटू सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखते हैं, 1/cos स्क्वायर यानी cos स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू 1/2 तो है ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि काश से यह काश कटेगा और यहाँ पर एक बार और काश बचेगा, तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दो हम शुरू शुरू में ले देंगे, 1/2 साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू यहाँ पर एक काश बचा हुआ काश पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फार्मूला दिखाई देगा, इसमें कौन सा फार्मूला दिखाई देगा, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए टू साइन, इसको समझ लीजिए थीटा, इसको समझ लीजिए थीटा, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा किसका फार्मूला होता, ये होता है साइन टू थीटा का फार्मूला, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा किसका फार्मूला है, साइन टू थीटा का यानी साइन टू इंटू थीटा, थीटा मतलब पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। नेक्स्ट लाइन में जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/ साइन, जब दो का गुणा इसमें होगा तो ये होगा पाई बाई टू का प्लस, जब दो गुणा यहाँ होगा तो दो से दो पूरी तरह कट जाएगा, केवल बचेगा यक्स। ध्यान दीजिए दो का अंदर गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, पाई बटे 2 हो जाएगा, प्लस जब इसमें गुणा होगा तो 2 तो पूरा कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, इसको समझ लो 90, कोऑर्डिनेट वाला रूल लगेगा चतुर्थांश वाला, साइन 90 प्लस थीटा होता है कास थीटा यानी कास यक्स, और 1/cos x को हम सब लिख सकते हैं सेक यक्स, 1/cos x को हम सब सेक यक्स लिख सकते हैं, यानी फाइनली हमको मिल गया dy बाई dx इक्वल टू सेक एक्स, ये हुआ इसका आंसर।